दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह इस श्रृंखला का भाग दो है, तो शुरू करते हैं। वैज्ञानिक जिसे भारत का मिसाइल मैन कहते हैं, यानी कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। टेलीविजन का आविष्कार किया? JL बेयर्ड ने। हृदय की आवाज सुनने के लिए यंत्र है? स्टेथोस्कोप। पहाड़ों में सांस लेने में कठिनाई का कारण है? हवा का कम दबाव। भारत में संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार है? उच्चतम न्यायालय को। पेंसिल का लेड है? ग्रेफाइट का। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया? तराइन के द्वितीय युद्ध में, 1192 में। दोस्तों, ध्यान रहे, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में पराजित किया था। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह। पुलेला गोपीचंद ने भारत को किस खेल में सम्मान दिलाया? बैडमिंटन में। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। एनीमिया रोग का कारण है? शरीर में लोहे यानी कि आयरन की कमी। दोस्तों, आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन का बनना कम हो जाता है, जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है और चेहरा सफेद या पीला पड़ जाता है। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? अर्थशास्त्र के लिए। संपत्ति का अधिकार है? कानूनी अधिकार। दोस्तों, ध्यान रहे, संपत्ति के अधिकार को पहले भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में रखा गया था, बाद में इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। सामान्य व्यक्ति की हृदय गति होती है? 72 धड़कन प्रति मिनट। ए प्रिजनर स्क्रेप बुक के लेखक है? लालकृष्ण आडवाणी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस है? 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? परमवीर चक्र। राजस्थान में एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? जोधपुर में। पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 73वां संविधान संशोधन। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। शक संवत का प्रारंभ किस शासक द्वारा किया गया? कनिष्क द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह संबंधी प्रयोग किस स्थान पर किया था? चंपारण में। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस प्रदेश से है? आंध्र प्रदेश से। भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं? MS स्वामीनाथन। पुलिस शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। डायनेमो का कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शीतलक के रूप में। भूकंप मापी यंत्र है? सीस्मोग्राफ। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। GK अभी। धन्यवाद।